नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे काजू खाने के बेहतरीन लाभों के बारे में। काजू नट्स का सेवन करने से कई लाभ हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ संभावित लाभ और इन्हें कब और कितना खाना चाहिए के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काजू खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हृदय को करता है स्वस्थ। काजू में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कीमती कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय स्वास्थ्य में मदद करते हैं। पौष्टिक तत्वों का होता है बड़ा स्रोत। दोस्तों, ये आवश्यक पौष्टिक तत्वों का स्रोत है, जैसे कि विटामिन ई, के और B6, साथ ही कॉपर, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम भी। वजन को करता है संतुलित। दोस्तों, काजू में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन की मौजूदगी वजन को प्रबंधन करने में सहायता करता है। नेत्र स्वास्थ्य के लिए होता फायदेमंद। काजू में ल्यूटीन और जियांथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हड्डियों के लिए होता है फायदेमंद। दोस्तों, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिज हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। पाचन में होता है सहायक। काजू में डायट्री फाइबर होने से यह स्वस्थ पाचन प्रणाली को सहारा मिल सकता है और कब्ज को रोकने में मदद भी मिल सकता है। रक्त शुगर को करता है नियंत्रित। दोस्तों, काजू का सेवन कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर की वजह से रक्त शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकता है। प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में करता है मदद। काजू में मौजूद जिंक और सेलेनियम होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। त्वचा को स्वस्थ, साफ, चिकना बनाने में करता है मदद। काजू में सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे यौगिक होते हैं, जो कोलेजन को उत्पन्न करके स्वस्थ त्वचा को बनाए रख सकते हैं। इसके बाद आए दोस्तों, जानते हैं कि काजू को कब और कितना खाना चाहिए। दोस्तों, आप काजू को किसी भी समय आराम से खा सकते हैं, चाहे वह स्नैक्स हो या फिर भोजन में शामिल भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप काजू को ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी न खाएं। हो सके तो आप दिन भर में लगभग 28 से 18 ग्राम तक की मात्रा में काजू खाएं। दोस्तों, इन सभी फायदों के साथ ध्यान रखें कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का भी महत्व होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप हमारी और भी स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियोज को देख सकें। धन्यवाद।